नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। एक्शन एंड एसोसिएशन बेटी जिंदाबाद अभियान शुरू कर एनसीपी एनडीटी एक्ट में प्रस्तावित संशोधन का विरोध करेगा। सामाजिक संस्था के मुताबिक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय पर एक्ट में बदलाव करने के लिए दबाव बना रहा है। एनसीपी एनडीटी एक्ट में संशोधन से गर्भपात करने वाले लोगों को खुली छूट मिल जाएगी और लिंगानुपात तेजी से बढ़ता जाएगा। 2001 में सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन को कमज़ोर करने की साजिश करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रसूताओं का रिकॉर्ड मेंटेन करने की अनिवार्यता को खत्म करने के पक्ष में काम कर रहा है। महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ जो हिंसा होती है उसको रोकने के लिए काम कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में ये कैंपेन काम कर रहा है। मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में तो लड़कियों की संख्या लगातार कम होते जा रही है और अभी भी बहुत जगह लिंग आधारित चयन करके गर्भपात कराया जा रहा है। अगर कानून में बदलाव आता है तो ये बहुत अच्छा कानून है। इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर खराब हो रहा है तो इसकी वजह से इस कानून की कोई गलती नहीं है, तो इस कानून में कोई भी बदलाव भविष्य में नहीं आना चाहिए, जिसके लिए बार बार आईएमए और बाकी और जगह बातें हो रही हैं। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज आज। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज आज।